हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। मेरा नाम है वैभव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है, मतलब कि ओम किस चीज़ पर कार्य करता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ओम का नियम है क्या, आखिर ओम का नियम होता क्या है। और तीसरा हम पढ़ेंगे ओम का नियम चित्र के माध्यम से हम लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे। आज हम तार के माध्यम से बढ़िया तरीके से ओम का नियम समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज मैं आखिरी में आपको एक घरेलू तरीके का प्रैक्टिकल से आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है ओम का नियम। ओम का नियम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। शर्त क्या है, आखिर ये शर्त है क्या ओम के नियम का। तो ओम को ओम द्वारा, यानी कि ऐसे गोल आधा गोला टाइप में, इससे जो है हम प्रदर्शित करते हैं। और ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये धातु चालकों मतलब क्या हुआ, चालक मतलब क्या हुआ। देखो भैया, चालक मतलब कोई भी तार, जैसे आपका कोई, आपके पास कोई एक तार है तो उसमें से मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो वही जो है आपका चालक है। कि विद्युत का जैसे आपने पढ़ा होगा सुचालक कुचालक, तो वैसे ही अगर कोई सुचालक चीज़ है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है तो वही चालक हो जाता है। धातु का चालक, धातु यानी कि लोहा हुआ हमारा हो गया, तो ये सब जो है धातु के चालक होता है, ठीक। और सिर्फ ये धातु चालकों के लिए सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा धातु का चालक है सिर्फ उसी पे काम करेगा ये ओम का नियम, और किसी पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं नियम क्या है। तो आप नियम, तो इसका नियम है कि यदि किसी चालक तार, अगर कोई चालक तार के भौतिक गुणों को स्थिर रखा जाए और तो उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर तथा उससे उत्पन्न होने वाली धारा दोनों ही समानुपात होते हैं। इसका समानुपात बराबर नियतांक होता है। तो मैं आपको ज़रा इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये जो हमारा ओम का नियम है, इसमें जो है जैसे कोई हमने चालक लिया है, देखिए आपको अभी चित्र दिखाना है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये भौतिक गुण क्या होता है, आप लोग को नहीं समझ में आया, ये देखिए भौतिक गुण दिखाता हूँ। तो ये भौतिक गुण होता क्या है, तो भौतिक गुण का मतलब हुआ कि जैसे ये तार है आपका, ठीक है, ये आपका एक चालक है यानी तार है। इसको अगर आप ना इसकी लंबाई को आप बढ़ाएं और ना इस पर ताप दें, ना इस पर ताप दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे आपने कोई लोहा है या बर्तन होता है, आप क्या कहते हैं, एक जगह जलाते हैं लेकिन जो है दूसरी जगह भी जो है वो आने लगता है, आप आवाज़ जो है मतलब कि दूसरी जगह तक जो है उसका ताप पहुंचने लगता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जलाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, तो मतलब कि ताप बढ़ाने पे पूरे तार में वो स्विच बढ़ने लगता है जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। तो वो चीज़ अलग चीज़ हो गया हमारा। तो ना इसका लंबाई बढ़ाया जाए, ना इसको ताप, मतलब कि भौतिक गुण को चेंज ना किया जाए, तो क्या होता है हमारा, को स्थिर रखा जाए, मतलब कि एकदम बदला ना जाए उसको, एकदम सही से रखा जाए उसके भौतिक गुणों को, कोई परिवर्तन ना किया जाए, तार जैसा वैसा ही रहने दिया जाए। तो उनके दोनों सिरे, अब दोनों सिरों क्या है, जैसे ये तार है हमारा, तो इन दोनों के बीच के सिरों के, ये सिरा हो गया हमारा, ये दूसरा सिरा ही होगा, इसके बीच वोल्ट होता है हमारा, विभवांतर मतलब वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट है विभवांतर तथा उससे उत्पन्न होने वाली धारा, यानी वोल्ट है। अब जब वोल्ट तुम प्रवाहित करोगे बैटरी से, जैसे आपने 3 वोल्ट की बैटरी लिया, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चित्र बनाया है, ये 3 वोल्ट की बैटरी लिया। अब जब यहाँ से आप धारा प्रवाहित करेंगे, धारा मान लीजिए आपने प्रवाहित की, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है वोल्ट आपने प्रवाहित किया, तो वही तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो निकलेगा वही तो आपका धारा हो जाएगा। यहाँ मैंने दर्शाया नहीं, ये हमारा आई, ठीक है। तो आपने ये किया तो वो भी जो है अपने आप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वोल्ट जब निकलता है तो उसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वही जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वही धारा होती है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो अब विभवांतर तथा उससे उत्पन्न होने वाली धारा, तो जान मान लीजिए कि आपका V और I निकल रहा है, ठीक है, प्रवाहित हो रहा है यानी उत्पन्न हो रहा है, दोनों समानुपात होते हैं। क्या होते हैं भैया, समानुपात। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं समानुपात मतलब क्या हुआ, समानुपात मतलब होता है कि दोनों जो है समान अनुपात में हो, कि मतलब कि जैसे R बटे I है तो ये दोनों जो है हमेशा सदैव समानुपात,
समान अनुपात में ही रहेंगे, जैसे 1/4 है तो 1/4 में ही रहेंगे, ठीक है। वो बदलने नियतांक के बराबर होता है। कहने का मतलब है इसका अनुपात, यानी कि ये जो हमारा वी अपान आई है, वी अपान आई आप देख रहे हैं, ये जो है एक नियतांक, कांस्टेंट मतलब होता है बेटा नियतांक, नियतांक जो हमारा आर के बराबर होता है। तो वी अपान आई इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आई आर, इससे जो है हमारा उसकी उत्पत्ति हो जाती है सूत्र की। ये हमारा सूत्र मिला है, क्या मिला है सूत्र, ठीक है। तो आपको चलिए अब आपको ये तार था, अब इसको प्रैक्टिकल से चित्र से समझते हैं। अब ये था हमारे पास तार, ठीक, इसके भौतिक परिवर्तन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा था वैसे रहने दिया। अब जब इसमें जो है आपने बैटरी से वोल्ट प्रवाहित किया, ठीक है, वोल्ट आपने प्रवाहित कर दिया, तो वोल्ट कैसे आगे बढ़ेगा। अब वोल्ट है तो अगर मैंने ये पेंसिल रख दी तो ये अपने आप आगे तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो वोल्ट भी वैसे आगे नहीं बढ़ता। उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसी तार के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग धारा कहते हैं I, ठीक। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा V और I है, V और I, ये दोनों जो है समान अनुपात में होते हैं, यानी कि समान अनुपात मतलब V अपॉन I, ये चीज़ हमारा हमेशा सदैव समान रहेगा। जैसे V अपॉन I का बराबर 1/2 है तो सदैव 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई नियतांक। तो ये जो है आपका समानुपात, ये एक नियतांक के बराबर, नियतांक, ठीक है, नियतांक या कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, नियतांक, ठीक है, नियतांक के बराबर होता है। और नियतांक जब आप ये जानते हैं कि ये ऐसे करके लगा होता है, जब आप नियतांक हटाते हैं, ठीक है, यहाँ गलत लिख उठा है, लिख गया है, तो ये जो है ऐसे रहता है। तो जब ये आप हटाते हैं ना, तो ये V अपॉन I बराबर क्या हो जाता है हमारा, R। ये नियतांक का कार्य जो है ये R ही करता है, ये नियतांक मतलब R होता है, ठीक है, R। तो इसी से हमारी V अपॉन I की उत्पत्ति हुई। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये बेसिक देखते हैं, ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिरोध जो है वो विद्युत रोधी का कार्य करता है। प्रतिरोध क्या है, विद्युत रोधी क्या है? तो प्रतिरोध वो होता है, जैसे आप आपने जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया, उसको आप जब प्लग में लगाएंगे तो वहाँ तो आपको 240 वोल्ट आपके बोर्ड से जो है 240 वोल्ट मान लीजिए मिल गई, 240 वोल्ट आपको बोर्ड से मिल गई, जो तो वो जो वोल्ट है उस मशीन के माध्यम से दूसरी तरफ क्या कहते हैं कम धारा में प्रवाहित होगी। मतलब जैसे यहाँ से 240 लिया और यहाँ आपको पता चल रहा है कि 5 वोल्ट दे रहा है, 12 वोल्ट दे रहा है, ऐसे। तो ये काम प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध क्या करता है, जो हमारे अपने ओर से ज़्यादा धारा लेके इधर कम धारा भेजने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो आपने पढ़ा ही, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, ये प्रतिरोध आपने समझ लिया, और प्रतिरोध का मात्रक ही ओम होता है, ठीक। तो जिसके बारे में हम ओम के बारे में हम पढ़ा हैं। तो अब इसका घरेलू उदाहरण देखते हैं। तो घरेलू उदाहरण आपका घर का चार्जर हो गया। घर का चार्जर आप इसको खोलेंगे तो आपके अंदर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इतना छोटा छोटा रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, ऐसे रहता है। अगर आप उसको विस्तार बड़े रूप से देखेंगे, आप दुकान वकान में जाएंगे तो इसे 250 ओम का रहता है, यही जो है उसी छोटा सा चिप होता है, उसी में छोटे छोटे जो है लगे रहते हैं, ठीक है, यही होता है घरेलू। आप कभी चार्जर ख़राब हो जाएगा तो उसको तोड़ के आप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से मिलता है। अब असल बात होती है प्रतिरोध, हम पहचानेंगे कैसे कि कैसे कहाँ लगा है प्रतिरोध कि कहाँ नहीं लगा। तो ये देखिए, ये जो है हमारा, ये देखिए, ये बैटरी लगा है, ये कुंजी लगा है, ये धारा जा रही है, ठीक है, धारा जा रही है, बल्ब लगा हुआ है, और ये जो हमारा ऐसे ऐसे है, ये जो लाइन है, यही हमारा प्रतिरोध कहलाती है, ठीक। आपको पता ही है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये हमारा प्रतिरोध कहलाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसी वीडियो पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ एक बार, आपको ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर कहीं मिलने नहीं वाली है, ठीक है। और आपका ना मन करे तो मत करिए सब्सक्राइब, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।